हेलो एवरीवन, काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं शाम, मतलब खाना वाना हो चुका है, दोपहर के वही लगभग 1:30 बज रहे हैं। तो मैं किचन स्लैब अपना साफ करने जा रही थी, मतलब इसको पूरा सेट करने जा रही थी अच्छे से। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए। एकदम से माइंड में आइडिया आया कि कई बार हमारे किचन स्लैब जो एकदम अस्त व्यस्त रहती है, कुछ भी उसमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा सामान कहाँ रखे, कहाँ नहीं रखे, कुछ भी क्लियर नहीं होता है और हम ऐसे ही कहीं कोई चीज रख देते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना गवाते हुए। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए और साथ में ये ऑल पे क्लिक करिए ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आते रहें। तो फिलहाल तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे किचन स्लैब की स्थिति क्या है प्रेजेंट टाइम, और फिर मैं बाद में क्या करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे किचन की स्थिति कुछ इस तरह सी है कि कुछ खुला पड़ा है, कुछ मुंदा पड़ा है, कुछ इस तरह से सब चीज़ें, और बर्तन भी गंदे पड़े हैं। इस तरह से कुछ स्थिति है। आप देख सकते हैं कि जो खिड़की है वो पूरी भरी हुई है एकदम, जो कि नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो फिलहाल तो फटाफट से आप देख सकते हैं किस तरह सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं अस्त व्यस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। तो अभी का ब्लॉग कैसा रहेगा वो आप बाद में बताइएगा। सबसे पहले हम किचन स्लैब को स्टार्ट करते हैं सेट करना। ठीक है, किचन काउंटर टॉप को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे क्या किया जाए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी जाए, वो सब मैं आज आपको दिखाने और बताने वाली हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें जहाँ रखनी चाहिए वहाँ मैं रख दूँगी, जैसे कि दूध वगैरह है सब फ्रिज में पहुँचा दूँगी। और कल सुबह में पूड़ियाँ बनी थी तो कढ़ाई में तेल उसी तरह से पड़ा हुआ था, उसको अपने बॉक्स में पहुँचा करके कढ़ाई पहुँच जाएगी धुलने के लिए। बस मतलब सभी चीज़ें छोटी मोटी जो भी है अपनी जगह पर पहुँचा दूँगी, ताकि क्या है जो किचन काउंटर टॉप है वो थोड़ा सा खाली लगे, तभी हम उसकी क्लीनिंग जो है अच्छे से कर पाएंगे। और अगर सामान सब अपनी जगह पे वहीं का वहीं रहेगा तो फिर सफाई हमारी जो है अच्छे से हो नहीं पाएगी। और क्या होता है ना कि कई बार इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारी किचन में कोई चिमनी वगैरह लगी नहीं है तो जो भी डिब्बे वगैरह हैं सब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो देख सकते हैं ये सारे बर्तन जूठे, जो कि अभी मैंने खाना बनाया था, तो हमारे यहाँ कहते हैं ना तुरंत जो है चकला बेलन वगैरह उसमें नहीं रखते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी रखते हैं तवा वगैरह। तो इसलिए मैं उधर नहीं रखी थी, इधर ही छोड़ दिया था मैंने। और फिर मेरे को ये टास्क भी लेना था कि मेरे को लगभग 8 से 10 मिनट के अंदर मैंने पूरी किचन काउंटर टॉप, मतलब पूरे डिब्बे वगैरह सब साफ करके सब मेरे को आपको शो करना था। इस वजह से मैंने कोई भी काम नहीं किया था, सब अपनी जगह पर वैसा का वैसा छोड़ा था ताकि मैं आपको सब चीज़ें दिखा सकूँ। तो फिलहाल तो मेरी क्लीनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। तो अभी सामान जो है सब अपनी जगह पे पहुँच चुका है और सारे डिब्बे उब्बे सब कुछ मैं पहुँचा दूँगी। बस जितनी चीज़ें मुझे रोज़मर्रा में, जैसे चाय वगैरह बनाने की चीज़ें या फिर तेल घी वगैरह सब जो भी चाहिए वो मेरा इस किचन काउंटर टॉप पर रहता है, बाकी सब चीज़ें उधर अलमारी बनी हुई ना उसमें रहता है। तो कि इसको स्लैब को जितना ज़्यादा खाली रखा जाए ना उतना ही काम करने में, सुबह क्या होता है कई बार स्कूल के लिए या फिर ऑफिस के लिए जाते हैं तो जल्दी होती है, तो उतना ज़्यादा अगर जितना ज़्यादा किचन स्लैब खाली होगा ना उतना आसानी से और जल्दी जल्दी हम काम कर पाएंगे। तो कभी भी किचन स्लैब को ज़्यादा भरा हुआ ना रखिए, इस तरह से थोड़ा सा सामान रखें जो हमें झटपट मिल जाए और झटपट हम ले लें बस। तो इन सारे डिब्बों को मैं खूब अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि क्या तेल उड़ता है इन पे चपक जाता है इसलिए। तो ये जो रैक है हमारी ये भी थोड़ी सी गंदी हो रही है, इसको सब चीज़ों को मैं खूब अच्छे से क्लीन करूंगी। और वीडियो को फुल वॉच करें, आपको ज़रूर थोड़ी सी जानकारी मिलेगी, आपको ब्लॉग हमारा ज़रूर अच्छा लगेगा। मुझे लगा कि आज ये ब्लॉग शेयर करना चाहिए तो मैंने कर दिया। और हाँ, जितने भी आप यहाँ पर हमारे किचन में DIY देख रहे हैं तो इनके लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जा कर के चेक कर लीजिएगा अगर आपको ये DIY करने हैं। तो मैंने अपनी किचन के लिए काफ़ी कुछ अपने हाथों से बना करके लगाया है, तो आप भी इस तरह से बिल्कुल जीरो कॉस्ट में इस तरह की चीज़ें बना करके लगा सकते हैं, कोई भी खर्च नहीं आता है इन DIY में। और लगाएं और अपनी किचन, बोरिंग सी किचन को एक खूबसूरत सी किचन का रूप दे सकते हैं। उसके बाद सब कुछ क्लीन करने के बाद फिर यहाँ पर धुल लेती हूँ मैं बर्तन, क्योंकि
जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर का खाना हमारा हो चुका है, उसके बाद की ये स्थिति है। तो कई बार क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा बोर लगता है कि हम काम कैसे करें, क्योंकि हमें वो काम रोज़ ही करने होते हैं, रोज़ खाना पीना, बर्तन साफ़ सफाई सब चीज़ें। तो कई बार क्या होता है, हम बोर हो जाते हैं। तो बोर ना हो इस तरह से, एक अगर आप टास्क लेकर के काम करेंगे ना, तो बिल्कुल भी आप बोर नहीं होंगे और आपका काम जो है बहुत ही आसानी से कम समय में पूरा हो जाएगा, और एक आपको खुशी भी होगी कि मैंने इतनी जल्दी इतना काम कर लिया है। तो देख सकते हैं स्लैब जो है एकदम पूरी चमक चुकी है, जो क्लीनिंग का काम है वो सारा मेरा ख़त्म हो चुका है। बाकी अब आगे का काम चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके साथ, क्योंकि आप सबको पता है जो बेसिन एरिया है इधर जहाँ पर हम बर्तन धुलते हैं वो रोज़ ही गंदा हो जाता है, कुछ ना कुछ छींटे जाते हैं, जूठन के सब चीज़ें। तो वो भी मैंने पूरा क्लीन किया है, अच्छे से पूरा सिंक वगैरह साफ़ किया है, सब कुछ करने के बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया है। तो थोड़ा सा समय तो जाएगा सभी चीज़ों में। तो बस देखिए इस तरह से सभी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी अपनी अपनी जगह पर। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये जार आप जो देख रहे हैं, ये हमारे घर में जैम आता है और सभी के घर में आता है, तो उसी के जार है जिनको इस तरह से मैंने एक नया लुक दिया है। आप अगर मार्केट में इन बॉक्सेस को लेने जाएंगे तो काफ़ी अच्छा अमाउंट हमें पे करना पड़ता है। उसके बाद ये देखिए, ये भी एक DIY है, तेल और तेल को रखने, तेल की शीशियाँ रखने का। और ये देख सकते हैं जूट रोप से तैयार किया गया है इस तरह से। ये ट्रे बहुत ही चलन में है, ऑनलाइन आपको ये मिल जाएंगी। तो इसको भी मैंने अपने घर पर ही तैयार किया है। और देख सकते हैं आगे एकदम कड़क, जो कि हमारे किचन में एकदम बहुत ही सुंदर रूप ले रहा है। इस तरह से हमारी किचन जो है ऑर्गेनाइज हो रही है। और ये देख सकते हैं आप जो इसमें स्पैचुला वगैरह हमारे सब रखे हैं, ये हमारे घर में जब गुलाब जामुन या इस तरह की कुछ चीज़ें आती ना, तो उसमें रख टीन के डिब्बे आते हैं, तो वही टीन के डिब्बे हैं जिनको मैंने इस तरह से बनाया है। और किचन हमारी देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। इस तरह से थोड़ा सा मैंने ग्रीनरी ऐड कर दी है ताकि किचन जो है और भी खूबसूरत लगने लग जाए। उसके बाद मैंने एक ये मेरा DIY है जिसको मैं इस तरह से हैंग कर रही थी। मैं सोच रही थी कुछ नया करें, कुछ अलग दिखे, तो इस तरह से मैं हैंग करके यहाँ पर एक पॉट मैंने रख दिया है ताकि आपको किचन में ना बहुत ही सुंदर लगने लग जाए। दोस्तों आप मेरे किचन का कुछ नाइट लुक जो है इस तरह से है, और अभी हो रही है शाम, तो बाहर का मौसम जो है एकदम सुहाना सा हो रहा है, देख सकते हैं एकदम नीला नीला हो रहा है, और किचन एकदम मेरी जो है चमक रही है। आप देख सकते हैं सब चीज़ें जो है अपनी जगह पे व्यवस्थित हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहा है सब कुछ, देख सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं फाइनली जो किचन की काउंटर टॉप है वो मेरी इतनी सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही है, पहले जैसी ही है। थोड़ा बहुत मैंने बदलाव किया है, बहुत ज्यादा नहीं किया है, लेकिन कुल मिला के समय समय पर इन चीजों को कम से कम किचन को महीने दो महीने में तो किचन काउंटर टॉप को तो हमें लगभग रोज ही साफ कर लेना चाहिए, हर दूसरे तीसरे इन सभी चीजों को हटा करके, क्योंकि कहीं ना कहीं खिड़की से डस्ट वगैरह आती रहती है, ऑयल उड़ता है, तो उन सब चीजों से। तो देख सकते हैं कितनी ज्यादा मेरा काउंटर टॉप जो है एकदम से चमक रहा है, और कौन सी चीजें कहाँ पर होनी चाहिए वो सभी मैंने आपको एक बारी बारी सब चीजें रख के बताई है। और ये आप देख रहे हैं ये पूरी लाइट वगैरह मैंने खुद से ही लगाई है सब चीजें। तो कुल मिला के हमारी जो किचन है नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो इस तरह से हम अपने किचन को थोड़ा सा मॉडर्न लुक दे सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, साथ में ऑल पे क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आते रहें और आप हमारे सारे ब्लॉग को इंजॉय करते रहें। और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। फिर मिलेंगे हम आपसे एक ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी से मेरी प्यार भरी राधे राधे।